जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक में कांग्रेस के दो विधायकों ने सरकार की ग्रीवेंस कमेटी की बैठक पर तीखा हमला करते हुए बैठक का वायकाट कर दिया। सीएलपी उपनेता आफताब अहमद ने कहा कि ग्रीवेंस बैठक महज औपचारिकता भर है, सरकार मनमानी करती है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसी बैठक का कांग्रेस विधायक बहिष्कार करते हैं। आफताब अहमद ने कहा कि गलत काम करने वाले अधिकारियों को संरक्षण दिया जा रहा है। गुस्से में उन्होंने सरकार की तुलना अंग्रेजों के जमाने की सरकार तक से कर दी है। इसके अलावा फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस विधायक मामन खान ने कहा कि सरकारी अध्यापक को बिजली चोरी रोकने वाले पुलिस कर्मचारी बेवजह तंग कर रहे हैं। पिछले कई महीने से यह शिकायत ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में लगातार सुनी जा रही है। बार बार इस पेंडिंग कर दिया जाता है लेकिन पीड़ित को न्याय नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते बुधवार को जब शिकायत को फाइल में किया जाने लगा तो दोनों कांग्रेस के विधायक आपा खो बैठे। उन्होंने भरे मीटिंग में हॉल में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल के अलावा जिले के तमाम आला अधिकारियों के सामने खूब खरी खोटी सुनाई। हद तो तब हो गई जब गुस्से में लाल पीले दोनों कांग्रेस के विधायक बैठक का वायकॉट कर बाहर चले गए। पत्रकारों से बातचीत के दौरान दोनों विधायकों ने ग्रीवेंस कमेटी की बैठक पर सवालिया निशान लगाते हुए सरकार को जमकर घेरने की कोशिश की। कांग्रेस विधायकों का इस तरह का रवैया देखकर सदन में कुछ देर के लिए सन्नाटा पसर गया। विजिलेंस का मामला था जिसमें मंत्री जी ने सही से सुनवाई नहीं की, क्या मामला था? ये मामला ये है कि जो ग्रीवेंसेस कमेटी है, ग्रीवेंसेस नहीं, महज एक जो है औपचारिकता है जो सरकार को अपनी मतलब मनमानी करने का वो है, और हम जनता के साथ ऐसी बात कोई होगी उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, और उसी के विरोध में हम मीटिंग का बॉयकॉट करके यहाँ से जा रहे हैं। लोगों को यहाँ परिवार को निपटाने की बात होती है, उनको न्याय देने की बात होती है, यहाँ न्याय देने के बजाय जो अधिकारी मतलब गलत काम करते हैं उनको संरक्षण दिया जा रहा है। जिस तरह से मेरे सीनियर लीडर आफताब जी ने कहा, विधायक जी ने, कि ये जो चेयरमैन साहब यहाँ बन के आए हैं और जो यहाँ के अफसरान हैं, ये यहाँ की आम जनता को परेशान करते हैं, ना कि इनको इंसाफ देते हैं। जमील जो एक सरकारी टीचर है, इसके बाप के नाम से स्कूल है, 40 साल का उस जमीन का पट्टा किया हुआ, 2010 में इसने पट्टे कर दिया, इसका फादर चेयरमैन है, मीटर इसके नाम नहीं, उसके बाद जो 33,000 का इनका चोरी का केस लगाया था, इन्होंने विद इंटरेस्ट को पैसा भी भर दिया, इसके बाप ने इसको जबरन गाड़ी में पुलिस ने डाला, इसने पुलिस से कहा भी कि मुझे छोड़ दीजिए बड़ेगी चौक पर, कि मैं आपको लाके रिसिप्ट दिखा देता हूँ, आप मेरी मानो, लेकिन इसके कपड़े भी फाड़े, जबरदस्ती नगीना थाना में ले गया, वहां इस पर जबरदस्ती केस बनाया, फिर ये बेल कराई। हमने ये लड़ाई लड़ी की जो ये प्रशासन था, जो सब जुडिस था, और सब जुडिस मामले को ग्रीवेंसेस में कोई फैसला नहीं कर सकते, इसी वजह से चले। हाँ, वो अभी हमने आदेश कर दिए वीडियो को कि भाई कहीं से भी वो अपना पैसा अरेंज करे और किसानों का कोई दिक्कत ना आए, तुरंत पानी निकाले और इस बात की वो आगे से पालना करेगा, इस तरह का हमने आदेश कर दिए। हाँ बिल्कुल, इस आगे से अगर कोई अधिकारी अपने काम में मतलब कोताही बरतेगा तो उसके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे, और जनता को इस तरह से परेशान नहीं करना, ये हमने आदेश इनको दिए। अहमदाबाद चुनाव भारतीय जनता पार्टी जेजेपी का जो हमारा उम्मीदवार है गोविंद कांडा, वो निश्चित तौर पर चुनाव हम जीतेंगे, बहुत अच्छा माहौल वहाँ है, मैं भी वहाँ गया था अहमदाबाद, तो ऐसी कोई बात नहीं।